हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो मैं रेखा सिन्हा आप सबका अपने ब्लॉग रेखा द स्मॉल वर्ल्ड में फिर से स्वागत करती हूं। और आज का जो ब्लॉग है ना, थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको तीन बहुत ही यूज़फुल हैक्स बताऊँगी, या टिप्स कह लीजिए, जो अपने घर में आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं बताऊँगी कि लव मैरिज कपल का क्या होता है, जब शादी के 15 ईयर्स हो जाते हैं, 16 ईयर्स हो जाते हैं, उसके बाद ये कपल्स कैसे रहते हैं, मतलब हम लोग कैसे रहते हैं। सारे लोगों का तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो हाँ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये मेरा पहला टिप्स हैक्स। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने गैस बर्नर को बहुत ही ईजिली कैसे साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है कुछ भी नहीं, बस एक इंग्रेडिएंट्स है इसमें, कास्टिक सोडा। हाँ, पर थोड़ा डेंजरस होता है, तो इसमें जब भी आप हाथ डालें तो ग्लव्स पहन के ही करें। देखिए पानी कैसा उबलने लगता है। और बस गर्म पानी मैंने डाला है, गर्म मीन्स पूरा हॉट वाटर है, और थोड़ा सा कास्टिक सोडा है, और उसमें मैंने बर्नर डाल दिया है। बर्नर आधा घंटा तक छोड़ देंगे, सारा जो गंदगी है ना वो लगभग निकल जाता है डालने के बाद से ही। और आधे घंटे के बाद जब बर्नर निकालेंगे ना, तो उसको उसमें अपने आप जो है वो गंदगी तो लगभग निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उसमें ब्रश मार देंगे या स्क्रबर जो भी रहेगा आपके पास, स्कॉच ब्राइट वगैरह, उससे आप उसको साफ़ कर दें, तो बर्नर जो है ना और जो भी गैस का इन है तो सब साफ़ हो जाता है इससे। तो चलिए देखिए कैसे मैं बहुत ईजिली अपना गैस को कम से कम महीने में एक बार ऐसा कर लेती हूँ, इससे मेरे गैस जो बर्नर है वो बिल्कुल क्लीन रहते हैं। आधा घंटा होने के बाद मैंने इसे निकाल करके अच्छे से ये मेटल ब्रश है इससे मैं साफ़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो इसे साफ़ कर, इससे और बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, नहीं तो स्कॉच ब्राइट से भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं। देखिए पानी का क्या हाल हुआ है। और बस इसे अच्छे से साफ़ पानी से धो करके टॉवल के ऊपर सूखने के लिए दे दें। आपका बर्नर बिल्कुल क्लीन है, और थोड़ा सा सूखने के बाद ही इसे चूल्हे के ऊपर डालें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बहुत अच्छा और बहुत इजी है, बस आप ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें, उसके बगैर इसको नहीं टच करें, तो हाथ बिल्कुल ना बहुत अजीब सा हो जाता है। बहुत ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन ख़राब हो जाएगा। और ये दूसरा जो है बहुत ही ईजी, अपने टॉयलेट को हमेशा खुशबूदार जो बनाने के लिए हर फ्लश के साथ सबसे ईजी तरीका। आपके पास इस तरह के कोई टूथपेस्ट हो, अगर ये वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, कॉलगेट का जो वाइट टूथपेस्ट आता है, इसमें अपना किसी भी चीज़ से, जैसे मैंने निडल से इसको होल कर रही हूँ, बहुत सारा होल बना दें, और इसको बस अपना जो टैंक है ना टॉयलेट का उसमें डाल दें, और हर फ्लश के साथ आपको खुशबूदार जो है फ्लश मिलेगा, बदबू नहीं आएगी। और धीरे धीरे जो हल्का फुल्का पीला वगैरह रह जाता है ना टॉयलेट में, वो भी अच्छे से अपने आप क्लीन हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी और बहुत ही यूज़फुल हैक्स है टॉयलेट के लिए, ज़रूर अपने घर में यूज़ करें, ट्राई कर करके देखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा था तो भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, मैं ऐसी वीडियो लेकर के हमेशा आती रहूँगी। और तीसरा जो हैक्स है वो बाथरूम का ही है, तो घर में आप बहुत ही ईजिली बाथरूम फ्रेशनर बना सकते हैं, इससे आप अपने रूम में भी रह सकते हैं, लेकिन मैं बाथरूम के लिए बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले अरवा चावल ले लिया है, और अरवा चावल में आप अपने पसंद का कोई भी डाल सकते हैं इसमें एसेंशियल ऑयल, मैंने लेवेंडर यूज़ किया है, मेरा फेवरेट, तो बस एसेंशियल ऑयल मिला करके उसको अच्छे से मिक्स कर दें, मतलब शेक कर लें बॉटल को, थायराइड की बॉटल है वो खाली हो गई थी, और शेक करने के बाद इसमें अच्छे से मैंने जूट रोप बांध दिया है, और इसको मैंने बाथरूम में लटका दिया है, और इसका जो थोड़ा सा जो इसका ढक्कन है ना ओपन कर दिया है, और इससे इतनी भीनी भीनी खुशबू आती रहती है बाथरूम में, बस कोई ज़रूरत नहीं है महंगा सा बाथरूम फ्रेशनर ख़रीदने का। इस तरह से आप अपने बाथरूम को हमेशा से फ्रेश रख सकते हैं। तो आपको आज का मेरा तीनों टिप्स और हैक्स जो भी आप कहेंगे कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आज ये सब तीनों चीज़ मैंने बना बना के आप लोगों को जो बताया, उसके बाद हम लोग शाम की चाय वगैरह लेकर के मॉल चले गए, क्योंकि हम लोग अभी एक जगह पे निकलने वाले हैं आउट ऑफ टाउन, तो उसके लिए कुछ कुछ शॉपिंग करनी थी। और
और शॉपिंग में क्या हुआ ना, बहुत ही मज़ेदार। आप देखिएगा शॉपिंग कैसे हमारी रही, क्या क्या हुआ, और शॉपिंग में आपकी भी ना हंसी निकल जाएगी। तो ये देखिए, आज हम लोग मॉल गए थे, मैं बोली ना कि शॉपिंग करना था हमें, तो हम लोग चारों जन गए मॉल वगैरह, खाना वगैरह का वहीं पे प्लान था। अब देखिए हमारी शादी को कितने साल हो गए होंगे, आप गेस कर लीजिए, किन्हीं को गेस हो सकता है। तो और फिर मेरे हस्बैंड का आप हाल देखिए, बबलू जी का, पूरे टाइम पूरे मॉल में क्या खरीद रही हूँ उनके लिए, कुछ मतलब नहीं, पूरा फ़ोन में लगे हुए हैं, चाहे वो एस्केलेटर पे हों, खाने के ऊपर हों, शॉप में हों, पूरा फ़ोन। तो ये है लव मैरिज कपल हम लोगों का, जो शादी के बाद लगता है कि मतलब क्या बताएं, हर समय फ़ोन, ये तो आदत हो गई है। और हंसी भी आती है, मैं तो बच्चों में ही लगी रहती हूँ, वो मैं इससे चिड़चिड़ करती रहती हूँ, पर वो मैं जानती हूँ अब आदत हो गई है, क्योंकि वो फ़ोन छोड़ नहीं सकते, उनका फ़ोन में ही लगा रहना है। और मैं उन्हीं के लिए शर्ट ले रही हूँ बस। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मैंने मतलब 32 साइज है, 38 ले लो, 39 ले लो, 40 ले लो, कोई मतलब नहीं। घर में आके बोलेंगे कि अरे ध्यान नहीं देती हैं, नहीं देती हैं। तो ये यही है लव मैरिज, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि बस हंसी आ जाती है और प्यार आ जाता है, गुस्सा तो आता नहीं है, सचमुच बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। बच्चे कभी कभी चिड़चिड़ा जाते हैं कि डैडी ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ काम तो रहता है, लेकिन थोड़ी सी आदत भी हो गई है, या पता नहीं मेरे से बोर हो गए हैं क्या, जो भी। चलिए तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारी शादी को कितने साल हुए आज का ये क्वेश्चन है, बताइएगा क्या कैसे आप लोगों का, फिर मैं बताऊँगी कि मेरी शादी को कितने साल हो गए। और ये देखिए ये समय भी फोन में लगे हुए हैं, इससे पर बोलूँ तो उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट्स भी करिएगा, और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, तो लास्ट तो हो ही गया है। थैंक यू मेरे को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए, सबका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ।